अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश भोपाल के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके मद्देनजर रखते हुए 12 अक्टूबर को उपखंड मुख्यालय चितरंगी में अतिथि शिक्षक संघ विकास खंड इकाई चितरंगी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम उपखंड अधिकारी के हाथों ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले, अल्प मानदेय में समस्त अतिथि शिक्षक लगातार 15 वर्षों से कार्य करते चले आए हैं और स्वाति की बूंद की तरह टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर में कब हम लोगों का नियमितीकरण होगा। कभी आंदोलन के माध्यम से तो कभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से तो कभी ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण कराया जाता है। चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। अतिथि शिक्षकों द्वारा जो ये मांग रखी गई है उसमें उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? अतिथि शिक्षकों द्वारा मांग की गई है कि उनको नियमित किया जा करके सरकार को नियमितीकरण बाबत पत्र भेजा गया है जी। तो द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा गया। ये कब तक में भेज दिया जाएगा? तो सरकार की स्तर की बात है, तो सरकार ही डिसाइड कर सकती है। सरकार की बात है, उपखंड स्तर की बात नहीं है। हाँ। और उपखंड स्तर पे इसका सलूशन भी नहीं है, केवल हम इसे अग्रेषित कर सकते हैं। इसे अग्रेषित कर रहे हैं। थैंक यू। उपखंड अधिकारी को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, आपकी मुख्य मांगे क्या है? देखिए, हमारी मुख्य मांगे ये है कि हम रेगुलर शिक्षक की तरह ही कार्य कर रहे हैं, जिसमें सरकार की तरफ से हम लोगों को इसके पूर्व चुनाव के टाइम पर हमेशा सूचन दिया जाता है सरकार अतिथि शिक्षक के बारे में कुछ अच्छा करेगी, कुछ अच्छा सोच रही है, किंतु 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक उस पर सरकार की तरफ से न तो कोई आदेश दिया गया, न तो कोई हम लोग को इस तरीके का भरोसा दिलाया गया कि हम आगे कुछ करेंगे। चुनाव में ज़रूर सरकार या जो विपक्षी सरकारें हैं वो इस तरीके का वादा करती हैं, किंतु हमारे जिस तरीके का जीवन शैली है शिक्षक के, जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं रेगुलर शिक्षक की तरह, आप हमें 5,000, 7,000, 9,000 रुपये देकर पूरा दिन ले रहे हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से मुख्य ये मांग है, या तो आप हमारे बारे में जो भी भविष्य में रूपरेखा है क्लियर करके बता दें, या तो हम लोग को सेवा लेना बंद कर दें, क्योंकि इससे हमारा वर्तमान भविष्य भूत सब खत्म हो रहा है। यही हमारी मुख्य मांग है।